गुड इवनिंग एवरीवन, वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे कंफर्म करके मेरे को। गुड इवनिंग, एक बार बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, वॉइस क्लियर है? चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हार्ट को समझने वाले हैं, दिल की बातें करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? हार्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से आपका वर्क करता है हार्ट, आप भी बताइए अपने साइड से हार्ट के बारे में, दिल के बारे में सबको पता है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या जानते हैं आप लोग अपने हार्ट के बारे में। सभी को कमेंट करना है सर, वॉइस क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है तो राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्गदर्शन सीरीज में, और जल्दी से आप अपने से बताएंगे, सब तो पहले हार्ट बताएंगे अपना, ठीक है? हार्ट के बारे में आपको क्या पता है, सब अपना फीलिंग शेयर कीजिएगा, एचपी से रिलेटेड फीलिंग आपको यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है? बस कंटिन्यू हार्ट ही हार्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? एचपी से रिलेटेड जो आपको पता है हार्ट के बारे में, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। सबको पता होगा अपने हार्ट के बारे में, दिल तो सबको है, ठीक है? हाउ इट ब्रेक, सब बताएंगे आज, दिल की पूरी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है? कैसे ब्रेक होता है, कहाँ पर ब्रेक होता है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग आपका। फोर चैम्बर्स अवेलेबल, बिल्कुल राकेश बोल रहे हैं दिल तो पागल है, बिल्कुल आज पागल करके रहेंगे उसको। हार्ट कंसिस्ट ऑफ द फोर चैम्बर्स, गुड एंड और अदर इंफॉर्मेशन। मायोजन, ठीक है ओके, और बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएं, दिल दिल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और थोड़ा सा आज फीलिंग के साथ हम स्टडी करेंगे, ठीक है? अपने ही हार्ट को समझना है, जो चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा आप अपने को फील करना है कि आप अपने ही हार्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट ही क्या है, अपने आप में बड़ा मजेदार है, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद को बॉडी को समझने का मौका मिलता है यहाँ पर, ठीक है? तो थोड़ा सा फील करके पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, आपको इस सब्जेक्टिव की तरह नहीं लेना है अपने, ठीक है? दिल के बारे में बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करूं मैं हार्ट के बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में आपको स्टडी करना। चलिए देखिए हार्ट के बारे में मैं बताऊं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, तो इट इज द विजिबल है आपको ये सब चीज, बिल्कुल कार्डियक साइकिल भी आ गया आंसर, चलिए वेरी गुड। हार्ट इज द मस्कुलर आर्गन, चलिए स्टार्ट करूं मैं आपका। देखिए इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, कलर ठीक है आपके लिए रेड कलर, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि मैं बात करूं, विजिबल है आपको ये कलर, बिल्कुल वेना केवा भी आ गया, ठीक है? तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है आपका, और यहां पर तीन चीजों के बारे में आप स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ब्लड इसमें आ जाएगा, ब्लड किस में फ्लो होता है आपका, ब्लड वेशल में फ्लो होगा, एक पाइप है, एक आर्टरी और वेन होता है, और एक होता है आपका हार्ट। तो जब भी हार्ट किसका पार्ट होता है, यदि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है सर? कलर चेंज, कौन सा कलर दिख रहा है अब? ठीक है ये वाला कलर विजिबल है आपको जी, कलर चेंज कर दिया मैं, रेड नहीं यूज कर रहा हूं, ये वाला कलर तो विजिबल होगा आपको, ठीक है? देखिए थोड़ा सा कलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड को तो रेड कलर में, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको ब्लू कलर में, तभी तो आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है? तो देखिए तो सबसे पहले हार्ट किसका पार्ट होता है, हार्ट इज द इट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि किसका पार्ट होता है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपके हार्ट को, ठीक है? चलिए अब हम लोग हार्ट पे आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका हार्ट को। तो हार्ट एक्चुअली में क्या है, हार्ट के स्टडी, बिल्कुल बेसिक से चलिए, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टडी को बोलते हैं हम लोग आपका कार्डियोलॉजी, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, उसके बाद कब आपका लेवल हाई हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास में, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसके एक्सपर्ट को, ठीक है? इसके जो डॉक्टर रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इसका जो एक्सपर्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट,
चल इतना पॉइंट तो सबको पता होगा, मैं ये समझ के चलता हूं, फिर भी स्टार्ट कर रहा हूं तो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। और देखिए हार्ट, हार्ट एक्चुअली में क्या है, इसमें कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता, ये बात याद रखना। ये आपका एक मस्क्यूलर आर्गन है, पूरा मसल से मिलकर बना हुआ है। कौन से मसल से मिलकर बना हुआ है, इसके लिए एक स्पेशल मसल है जिसका नाम है आपका कार्डियक मसल। हमारे बॉडी में थ्री टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और आपका हार्ट स्पेशली आपके कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं आपका हार्ट का वेट बताओ तो कितने वजन का होता है आपका हार्ट। तो हार्ट के यदि मैं वेट की बात करूं तो ऑन एवरेज आपको याद रखना है 300 ग्राम, 300 ग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देखिए एक एक पॉइंट को आपको कवर करना है, बहुत बेसिक से मैं ले रहा हूं चीजों को, कि आपके हार्ट में किसी तरीके का कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है। आपका हार्ट एक आपका मस्कुलर आर्गन है, आपका हार्ट एक मसल से मिलकर बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड मसल। इस मसल का नाम है आपका कार्डियक। आपके हार्ट की यदि मैं वेट की बात करूं तो हार्ट का ऑन एवरेज आपका 300 ग्राम प्रेजेंट होता है। और यदि जब बच्चे थे, याद करो जब इन्फेंट थे बच्चे, तो उसका बच्चे का आपका 25 से लेकर 30, जब इस दुनिया में आए हो गए आप लोग, तो उस समय आपका हार्ट का वेट कितना होगा, 25 से 30। अब ये वेरी करता है आपका, ठीक है, ये जो वेट है ये फीमेल में आपका 280 से 320 ग्राम ले लो, या मेल में आपका 320 से आपका 340। अब खुद ही सोचो, द ग्रेट खली की मैं बात करूं आपका, WWE सबने देखा होगा द ग्रेट खली, उसका हाइट देखिए, तो उसका हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो उसका हार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है द ग्रेट खली का। तो मैं ऑन एवरेज मान के चलता हूं कि हमारे हार्ट का ऑफ वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है आपका, मतलब वेरी करता है ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा जिसका हाइट कम है, लेंथ कम है, भाई हार्ट का साइज थोड़ा कम होगा, नहीं तो ज्यादा होगा, सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं आपका हार्ट का शेप क्या होता है। भाई ये तो देखो, हार्ट का शेप की मैं बात करता हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा यहां पर। हार्ट का शेप होता है आपका क्लोज्ड फिस्ट। क्लोज्ड फिस्ट मतलब होता है बंद मुट्ठी, ये है आपका हार्ट। हार्ट का कैसे होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है, क्लोज्ड फिट होता है। क्लियर हुआ? तो ये आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और ये बेसिकली क्या होता है, आपका एक पंपिंग आर्गन है। ये कैसा आर्गन है, पंपिंग आर्गन है, जो ब्लड को पंप करेगा, जो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, और पूरे सेल तक का आपका ब्लड को लेके जाएगा, सेल ऑर्गन्स तक का ब्लड को ले जाने की जिम्मेदारी किसका है, आपका हार्ट का। जब हार्ट पंप करेगा, इसी को क्या बोला जाता है, आपका पंपिंग आर्गन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट का कोई भी रिलेशन आपके फीलिंग से नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, हर लोग बोलते हैं हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, माई हार्ट इज ब्रोकन। अरे कैसे ब्रोक होगा, तो इस दुनिया में आप जिंदा कैसे हो फिर? ये सब फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। बाकी जितना भी आपकी फीलिंग वाली चीजें हैं, ये आपका कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, और हमारा ब्रेन का स्पेशल पार्ट होता है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये आपका ब्रेन का पार्ट होता है, और यही आपका क्या करता है, फीलिंग को कंट्रोल करता है, ये बात याद रखना। हाइपोथैलेमस फीलिंग मतलब किससे लव करना है, किससे नफरत करना है, क्या हमारे हॉबीज होंगी, किसको मेरे को मारना है। ठीक है, लव करना है, हॉबीज है, जितने भी आपकी फीलिंग है, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आपके हाइपोथैलेमस को। और बदनाम करके किसको रखे हुए हैं, आपका हार्ट को। ठीक है, बदनाम कौन है, दिल तो पागल है, कौन है, आपका हार्ट है। लेकिन अब ये स्टेटमेंट नहीं देना है, दिल तो पागल है की जगह हाइपोथैलेमस तो पागल है। ठीक है, क्योंकि यही हमारे इमोशंस वगैरह सबको कंट्रोल। आपको भूख लग रहा है, हंगर, ठीक है, हंगर, प्यास लग रहा है, थर्स्ट, तो ये सब फीलिंग, जितना भी फीलिंग की मैं बात करूं, ये सब फीलिंग। अभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, ये मतलब समझ लो, या कोई पेक पीने का किसी मन हो रहा है, तो समझ लेना ये सब फीलिंग आपके हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ना कि आपका हार्ट से। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है फीलिंग, ना कि हमारे हार्ट से। हमारा हार्ट एक आपका मस्कुलर आर्गन है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल, कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, हमारा हार्ट का वेट आपका 300 ग्राम ऑन एवरेज होता है। यदि मैं इसके शेप की बात करूं तो बंद मुट्ठी के जैसे आपका शेप होता है हार्ट का।
हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, इसके एक्सपर्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और फिर यहां पर बात करते हैं कि ये आपका पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम है कि आपके ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करना, पंप करना। दो आपने सिचुएशन देखा होगा, एक होता है ठीक है दिल को दोष ना दिए गाइस, बिल्कुल दिल बेचारा क्या है, बहुत सेंसिटिव है, दिल क्या है सेंसिटिव है, और यदि ये ब्रेक हो गया तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा कोमा, कोमा का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल डेथ। कोमा मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में इसको बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। तो कोमा का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, कोमा एक्चुअली में किसको बोला जाता है, जब ब्रेन काम करना बंद कर दे, जब ब्रेन हमारा वर्क ना करे लेकिन हमारा हार्ट ये बेचारा सही तरीके से पंप करे ब्लड को, तब उस कंडीशन को बोला जाता है आपका कि पेशेंट किस में चला गया, कोमा में चला गया। तो कोमा का मतलब समझ में आया, तो कोमा मतलब हमारा जब ब्रेन काम ना करे लेकिन हार्ट अपना काम प्रॉपरली करे, उस कंडीशन को बोला जाता है कोमा, और मेडिकल टर्म में इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल डेथ। क्योंकि हमारा हेड क्वार्टर कौन है, हमारा ब्रेन है, हमारा पूरे बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। और यदि ब्रेन में सिग्नल नहीं जा रहा है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो पूरी बॉडी पैरालिसिस रहती है, लेकिन आपका हार्ट काम कर रहा है, मतलब ब्लड क्या हो रहा है आपका प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है, क्योंकि पंप काम कर रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप ये बताइए कि यदि हमारा हार्ट यदि काम ना करे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो बेटा आप इस दुनिया में फिर वो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक बच्चे का यही सवाल था, सर आपने ये तो बताया कि जब ब्रेन काम ना करे हार्ट काम करे उस कंडीशन को कोमा बोलते हैं, अब इसको अपोजिट कर दो कि जब आपका ब्रेन काम करे और आपका हार्ट काम ना करे, तो भैया उस कंडीशन में तो आप तो इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। ठीक है, ब्रेन को क्यों होता है सर। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए टॉपिक टॉपिक में लिख रहा हूं आपको, ये आपका हार्ट है, हार्ट का बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ये वाला हार्ट देखने से थोड़ा सा फीलिंग आती है, ठीक है, बाकी हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा ओरिजिनल, बट आपको ये वाला हार्ट को समझना है। क्लियर, अब आपके हार्ट में देखिए कई बार छोटे फार्मासिस्ट एग्जाम यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, तो ये सबको पता होगा हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, डियर 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ, अब जो अपर वाला चेंबर होता है इसको बोला जाता है आट्रियम, अपर वाला चेंबर को आट्रियम या फिर आपको ऑरिकल्स भी देखने को मिलेगा, और जो नीचे वाला चेंबर होता है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। नीचे वाला चेंबर को क्या बोला जाता है डियर आपका, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, इसको मैं मान के चलता हूं आपका राइट साइड, या आपका राइट साइड है या आपका राइट, इसको मान के चलो लेफ्ट साइड, या आपका हार्ट का क्या है लेफ्ट साइड है। क्लियर हुआ, अब देखिए लेफ्ट साइड को तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट साइड है तो इसको मैं आपका लेफ्ट आट्रियम, और नीचे वाले को बोला जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट का राइट साइड है तो इसको मैं क्या बोलूंगा आपका राइट आट्रियम, राइट आट्रियम, और इसको बोलूंगा मैं आपका राइट वेंट्रिकल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि आपके हार्ट के अपर चेंबर को देखिए, आपके हार्ट के अपर वाले चेंबर को, ऊपर वाले चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं डियर आपके आट्रियम, और नीचे वाले चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका वेंट्रिकल। इनका काम क्या होता है, ऊपर वाले चेंबर का काम होता है फिलिंग, इसमें आपका ब्लड फिल होता है, ये बात याद रखना, और मेन पंपिंग वाला काम कौन करता है आपका वेंट्रिकल वाला पोर्शन, ये बात हमेशा याद रखना। जब ब्लड को पंप करने की बात करेंगे तो हमेशा वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और जब भी हम लोग फिलिंग की बात करें तो यहां से आपका हार्ट में ब्लड फिल होता है, तो फिलिंग कहां पर होता है आपका आट्रियम में, ठीक है, और पंपिंग एक्चुअली में जो बड़ा और जो पंप है, जो पंप करेगा तभी तो आपका ब्लड बाहर जाएगा, तो ये पंपिंग एक्शन किसका होता है आपका इस वेंट्रिकल वाले पार्ट का होता है। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि किसको हम लोग आपका वेंट्रिकल का काम पंपिंग और ऊपर का काम होता है फिलिंग। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, ये आपका हार्ट है तो हार्ट के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। अब इस सेप्टम का काम क्या है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर, ये आपका हार्ट के 4 चेंबर्स हैं, तो आपके हमेशा राइट साइड में याद रखो,
राइट साइड में आपके हार्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है, और आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में यदि मैं बात करूं तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन दोनों के बीच की दीवार क्या है? सेप्टम, जो इन दोनों ब्लड को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। आपने कई सारे मूवी में सुना होगा, क्या मूवी में सुना होगा कि हार्ट में होल हो गया, ठीक है, हार्ट में क्या हो गया? होल हो गया बोलते हैं कि नहीं, मतलब दिल में छेद हो गया। ये वाली आपने स्टेटमेंट जरूर सुना होगा किसी मूवी में, किसी बच्चे में। तो एक्चुअली में आप कभी सोचा है आपने कि यहां पर कहां पर आपके हार्ट में होल हो सकता है? तो देखिए, आपके हार्ट में होल कहां पर होगा, कई बार बच्चों को जन्म के टाइम पे सेप्टम सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। सपोज यही सेप्टम कहीं से यहां पर से क्या हो जाएगा, होल हो जाए। इस सेप्टम में कहीं पर से, सपोज कहीं पर भी इस सेप्टम वाले लाइन पे कहीं पर क्या हो जाए, इस तरीके से ये वाला फिल ना हो पाए, ठीक है, मतलब ये सही तरीके से बन ना पाए, डेवलप ना हो पाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये दोनों ब्लड आपका आपस में मिक्स हो जाएंगे, दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? सेप्टम। बट यहां पर कई सारे बच्चे में जन्म के टाइम ही कई बच्चों में ये सेप्टम में कुछ पोर्शन बंद होना बच जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब उस बच्चे का कलर नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस बच्चे का कलर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उसके बॉडी में मिक्स हो गया, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या होता है, आपका ब्लड मतलब पूरा बॉडी नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अरे जब कोई आदमी का डेथ होता है तो देखना उसका कुछ टाइम बाद उसका पूरा बॉडी नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आदमी डेथ हो चुका है मतलब वो अब ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, तब उसके बॉडी में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी में रहेगा ही, जिसके वजह से उसका पूरा बॉडी नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर भी तो वही कंडीशन हो रहा है कि बच्चे में दोनों ब्लड मिक्स हो गया, जो सेप्टम इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा था ये मिक्स हो गया। अब इसी को डॉक्टर ऑपरेशन करके एक मोटी रकम लेता है, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन में बहुत ही मतलब आपका कॉस्टली है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बहुत खर्चा आता है इसमें, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है ना आपका हार्ट, तो इसको सील करने के लिए एक मोटी रकम के लेने के बाद फिर इसी को सील कर दिया जाता है, ये जो सेप्टम में जहां पर होल हुआ है इसी को सील कर दिया जाता है, और फिर उस बच्चे की जान बच जाती है। इसको बोलते हैं दिल में छेद हो गया, जो आपने सुना होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हमेशा याद रखो, आप हमेशा दिल कैसे बनाते हो, ऐसे टाइप से बनाते हो कि नहीं, जब शादी वगैरह होता है तो ऐसा करके वेड करते हैं, वेडिंग, यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ आपका नाम रहता है, ठीक है, यहाँ आपकी हो, यहाँ पर आपका नाम रहता है। तो अब हमेशा याद रखना, अब हमेशा अपने आप को कहाँ पर रखना है, अपने आप को लेफ्ट साइड में। जब भी इस तरीके से आप अपने शादी में जब भी करेंगे तो कभी भी अपना नाम आप इस वाले रीजन में नहीं डालेंगे, ये बात हमेशा याद रखो, ये वाले रीजन खतरा वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला फील रहता है, और इस वाले एरिया पे क्या रहता है, आपका ऑक्सीजन फील रहता है। तो हमेशा अपने आप को किस एरिया में रखना है, यहां पर ऑक्सीजन वाले एरिया में अपना रखना है, और अपने पार्टनर को कहां रखना है भैया, इस वाले एरिया पे रखना है, मतलब उसको कहां पर रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले रीजन पे रखना है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स। और उसको बोलना है यू आर माई राइट च्वाइस, क्या बोलना है, यू आर माई राइट च्वाइस, देखो तुम मेरे राइट चॉइस हो तो मैं तुमको राइट साइड में रख रहा हूं, और आप मेरे से एचएपी पढ़े हैं, अब आपको पता है कि हम उसको किस एरिया में डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले एरिया में डाल रहे हैं, और अपने आप को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब कभी कोई स्टूडेंट नहीं भूल पाएगा इस बात को कि हमेशा हार्ट के राइट साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है, और आपके लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, क्लियर हो गया। फीलिंग कीजिए, फील करके पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा, क्या बोलना है, यू आर माई राइट चॉइस, मतलब उसको यहां डालना है भैया, और जब भी ये बनवाओगे तो पहले से बोल देना कि भैया हमारा नाम किस में आना चाहिए, हमारा नाम यहां आना चाहिए, ना कि यहां, ठीक है। जब आप अपने शादी के देखना बस वगैरह या कार वगैरह में इस तरीके से जब बनवाओगे वेडिंग वाला, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, क्लियर, पार्टनर से, ठीक है, मतलब अपने को ऑक्सीजन वाले एरिया पे रहना है। कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये चीजों को, या कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ये वाला ब्लड कहां पर प्रेजेंट होता है, तो अब सबको पता चल गया कि कहां पर रखना है भैया।
अब कई लोग होते हैं थोड़ा सा मजनू किस्म के लोग भी रहते हैं, कबीर सिंह जैसे लोग भी रहते हैं कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड एरिया पे रहूंगा और तुमको ऑक्सीजन एरिया में दूंगा, तो होते हैं दो चार लोग ठीक है। लेकिन आप समझदारी तो इसी में है कि अपने को लेफ्ट साइड में रहना है और सामने वाले को कार्बन डाइऑक्साइड वाले एरिया में रहना है, करना है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। अब भैया इस हार्ड को हम लोग कवर भी तो कर देते हैं, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इस हार्ड को भैया प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। हार्ट क्या है आपका, काफी इंपॉर्टेंट आपका आर्गन है, अब इसको प्रोटेक्शन देना है। तो भगवान ने इसके लिए तीन लेयर बना दिया है, भगवान ने बोला चल बेटा तेरे लिए तीन लेयर मैं बना देता हूं इस हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो सबसे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरी मतलब बाहर की तरफ होगा, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद जो बीच वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायो कार्डियम, और कार्डियम मतलब तो मायो मतलब मिडिल, मायो मतलब मिडिल वाला लेयर, और ये होता है भैया सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो कवरिंग समझ में आ गया, इंडोकार्डियम। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, चेंबर। तो हमारे हार्ट में फोर चेंबर्स होते हैं, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब फिर याद रखना है कि आपके हार्ट में भगवान ने कवर दिया हुआ है, थ्री कवरिंग है आपके हार्ट में। तो सबसे आउटर कवरिंग को बोलते हैं पेरी, पेरी का मतलब ऐसे आउटर ही होता है। तो पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर, बीच वाले लेयर को मायोकार्डियम, और सबसे इनर वाले लेयर को आपका क्या बोलते हैं इंडोकार्डियम, क्लियर हुआ। चेंबर फोर, चेंबर फोर, कवरिंग थ्री, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसका मैं लोकेशन की बात करता हूं, ये लोकेशन, ये हमारा हार्ट कहां पर प्रेजेंट है। तो सिंपल से बोलूं आपका हार्ट का लोकेशन, तो हार्ट आपके चेस्ट केविटी में प्रेजेंट है, बस सिंपल से बोलो हार्ट कहां पर है, तो हार्ट हमारा चेस्ट पे प्रेजेंट है, चेस्ट केविटी में। और थोड़ा सा बताओ और अंदर कहां पर प्रेजेंट है, तो उसके बाद फिर आपको बताना है ठीक है हार्ट के बारे में कि ये आपका हार्ट के दोनों तरफ क्या है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, हार्ट के दोनों तरफ क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं लंग्स बोल रहा। तो लंग्स मतलब क्या है भैया आपका बॉडी का ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इस ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको थोड़ा सा कब्जा, ये थोड़ा सा छोटा होता है, ये वाला आपका लेफ्ट वाला है, ये आपका लंग्स थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस तरीके। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस पे कब्जा करके कौन बैठा हुआ है, इस पे आपका कब्जा करके बैठा हुआ है हमारा दिल जो है ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो देखिए तो लोकेशन देखिए तो हार्ट का, कि हार्ट कहां पर प्रेजेंट है। तो पहला चीज तो मैंने बता दिया है चेस्ट केविटी पे प्रेजेंट है, और बताइए और थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। तो देखिए ये आपका लेफ्ट साइड ज्यादा है, मतलब हार्ट का लगभग आपका 60 to 70% पोर्शन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और इसका लगभग आपका 20 to 30% पोर्शन आपके राइट साइड में प्रेजेंट है। और जो आपको जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टिनम। इस स्पेस का नाम क्या है, मीडिया स्टिनम, या फिर कई जगह में इस स्पेस को कार्डियक नोज भी बोलते हैं, कार्डियक नोज। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि कहां पर प्रेजेंट है आपका, लंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हार्ट पे फोकस करना है कि हमारा हार्ट चेस्ट केविटी पे प्रेजेंट होता है। नहीं नहीं और थोड़ा सा इलाबोरेट करो। तो ये आपका लोकेशन दोनों लंग्स के बीच में। दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि आवर हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन दोनों के बीच में, किसके बिटवीन प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में। यह हो गया दूसरा लोकेशन कि हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और बताइए हमारा हार्ट मीडिया स्टिनम में प्रेजेंट है। मीडिया स्टिनम किसको बोलते हैं, राइट लेफ्ट के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को मीडिया स्टिनम भी बोला जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, या फिर इस जगह को क्या बोला जाता है, कार्डियक नोज बोलते हैं। जगह को क्या बोलते हैं डियर आपका, कार्डियक नोज, मतलब आपका हार्ट का 60 to 70% लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो हम सिंपल से बोल देते हैं कि आपका हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, बट आपका पूरा लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है, कुछ पोर्शन उसका राइट में भी प्रेजेंट है आपका 20 to 30%। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको। चलिए अब थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टाई बोन बना देता हूं, ये टाई बोन, टाई जहां पर टाई पहुंचते हैं, इसी को टाई बोन को क्या बोला जाता है, स्टर्नम। अब इस स्टर्नम से आपका रिब्स जुड़ा रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके पूरा 12 रिब्स प्रेजेंट होता है। कितना रिब्स, पसलियां कितना होती हैं, 12
रिब्स प्रेजेंट होता है। अब और एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं कि ये आपका टोटल कितने रिब्स प्रेजेंट होता है, आपका 12, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में आपका स्टर्नम, इसी को चेस्ट बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर देखिए ये आपका यहां पर टाइप पहनते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्टर्नम बोला जाता है। अब देखिए मैं हार्ट का लोकेशन बना रहा हूं, तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये आपका सेकेंड रिप और आपका सिक्स रिप, सिक्स नंबर का रिप के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। और भी मत डिटेल में मैं बताऊं तो इस तरीके से आपका हार्ट प्रेजेंट होगा। कलर चेंज कर लूं मैं, ये वाला रेड में बना देता हूं दिल। तो यहां पर आपके एक्चुअली में प्रेजेंट है, जिसका ज्यादातर पोर्शन आपका लेफ्ट में। क्लियर हो गया, मैंने आपको 3 से 4 तरीके से बता दिया आपका हार्ट का लोकेशन। अब आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई पूछेगा हार्ट कहां पर है, बोलोगे चेस्ट में प्रेजेंट है। नहीं नहीं, और डिटेल में बता, मीडिया स्टीनम में प्रेजेंट है। और भी बताओ, इट इज द सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। नहीं और बताना है तो फिर ये बताओ कि हमारा हार्ट सेकेंड रिब्स और सिक्स रिब्स के बीच में लेफ्ट साइड में इसका पोर्शन ज्यादा है। अब बता दोगे सबको हमारा हार्ट का लोकेशन, हो गया क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इतना पॉइंट सबको क्लियर होगा, आगे बढ़े। अब आते हैं, देखिए अब थोड़ा समय आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा देता हूं। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम समझिए क्या होता है। यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल से मैं बता रहा हूं, ये हमारा नोज जैसा भी बने, नोज, नोज से हम क्या ले रहे हो भैया, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, नोज से क्या ले रहे हो आप ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आ गया ट्रेकिया, ऑक्सीजन क्या आ गया ट्रेकिया, थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विंड पाइप बोला जाता है, ठीक है। और इससे ट्रेकिया से होते हुए कहां आ गया, आपका लंग्स में आ गया, कौन आ गया भैया लंग्स में, किडनी टाइप से बन गया, चलो लंग्स मान के चलो, इसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, राइट एंड लंग्स, लंग्स में आ गया आपका, यस सर। चलिए नोज से आपका ऑक्सीजन या फिर एयर बोल सकते हैं, एयर इस ट्रेकिया से होते हुए कहां आ गया, लंग्स में। अब लंग्स का एक पार्ट होता है, एक अंगूर के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है एल्वियोली। इस एल्वियोली में एक्चुअली में क्या होता है, अंगूर के दाने, अंगूर के जैसे गुच्छा होता है ना इस तरीके से, एक्चुअली में कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये एल्वियोली आपका साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ये क्या होता है बेसिकली डियर, आपका साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर आपका गैस का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहां पर से देखिए आपका ऑक्सीजन आया, ठीक है, और यहां पर आपका एक्सचेंज होता है। अब इसका वेट कौन करते रहता है भैया, आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड का कौन सा पार्ट वेट करते रहता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन यहां पर बैठा रहता है, समझिए कॉन्सेप्ट को, इस एल्वियोली पार्ट में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब यहीं पर किसका एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर किया जाता है, इसको आउट किया जाता है, और ऑक्सीजन को इन किया जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, इन, और इसको आउट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने, हम जो इस तरीके से आप क्या ले रहे हो, आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये ऑक्सीजन आपका कहां पहुंच गया, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब आपके ट्रेकिया से होते हुए आपके लंग्स में पहुंच गया। अब इसको पिक करने के लिए कौन आया, उसको पकड़ने के लिए कौन आया, आपका ब्लड का हीमोग्लोबिन आया। ब्लड का हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इस ऑक्सीजन को वो पिक करेगा, किसको पिक करेगा, ऑक्सीजन को, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब बाकी ऐसी बात नहीं कि आपके लंग्स में नाइट्रोजन भी आते हैं, मतलब क्योंकि आपके एनवायरमेंट में जितने गैस हैं सब आएंगे आपके लंग्स में, लेकिन हीमोग्लोबिन सिर्फ किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है। अब यहां से पिक कर लेगा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली को दे देगा, ले पकड़ और इसको बाहर फेंक करके, ठीक है। अब यहां से होते हुए आपका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाएगा। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका, ये आपका हीमोग्लोबिन का वेट करते रहता है, जैसे मतलब ये आपका ऑक्सीजन का वेट करता है, और जैसे ही आपका ऑक्सीजन आएगा हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेगा। इतना कहानी सबको समझ में आ गया। अब आते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में आइए। अब देखिए, अब लंग्स में बना देता हूं आपके लिए अच्छे से, इतना पॉइंट तो सबको क्लियर हुआ, ये आपका क्या है, लंग्स है। अब इस लंग्स में क्या था, एल्वियोली, जहां पर इसमें क्या हो गया आपका एक्सचेंज हो गया, इस तरीके से होता है आपका। अब यहां पर ऑक्सीजन को वेट करने के लिए कौन आया, हीमोग्लोबिन। और एक बात याद रखना, और एक बात और याद रखना,
कई बार आपने तो सुना होगा कि किसी बंद कमरे में कभी भी हमको क्या नहीं जलाना चाहिए, आपका बंद कमरे में कभी भी आपको आपका आग वगैरह नहीं जलाना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? या ठंडी के दिनों में कई बार आपने सुना होगा, पहले के टाइम पे न्यूज़ आता था कि कई दोस्त जंगल में घूमने के लिए गए, वहां पर उन्होंने ठंड का टाइम था, एक गुफा में वो लोग चले गए और वहां पर उन्होंने आग जला दिया और सुबह पता चला कि सभी के डेड बॉडी वहां से बरामद हुआ। ये कई बार पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर में आता था कि कुछ फ्रेंड जंगल गए थे, ठीक है, केव में, और जंगल में रात बिताया और उन्होंने क्या किया, बंद गुफे में उन्होंने आग जला दिया। और बंद गुफे में आग जलाने से हुआ क्या, क्योंकि बंद कमरे में यदि किसी को आग जला दिया जाए तो वहां पर क्या रिलीज हो जाता है, आपका सीओ। सीओ मतलब होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको मैं कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूं कि देखिए, हीमोग्लोबिन की वाइफ कौन है, हीमोग्लोबिन की आपकी वाइफ है, ये आपका हस्बैंड है, मान के चलो हस्बैंड कौन है आपका, हीमोग्लोबिन, और उसकी वाइफ किसके लिए है, आपका ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे को पकड़ के पूरे बॉडी को क्या पहुंचाते हैं, पूरे सेल को क्या पहुंचाते हैं, आपका ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है, आपका हीमोग्लोबिन। बट आपको याद रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड याद रखो, हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड कौन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यदि जब आपके हीमोग्लोबिन को यदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि उसको मोनोऑक्साइड मिल जाए, ठीक है, तो अब ये बताए खुद ही आप बताएंगे, एक तरफ हीमोग्लोबिन के पास ऑप्शन है उसकी गर्लफ्रेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक तरफ आपके हीमोग्लोबिन के पास ऑप्शन है उसकी वाइफ, अब किसके साथ वो डेट करना पसंद करेगा, जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ। क्लियर हुआ? देखिए, रिलेशन किसके साथ है, ऑक्सीजन का रिलेशन आपका हीमोग्लोबिन के साथ है, इन दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। यह बात याद रखना कि ऑक्सीजन आएगा उसको पकड़ के ले जाएगा कौन, हीमोग्लोबिन, अब पूरे सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन हीमोग्लोबिन बड़ा बदमाश है, हीमोग्लोबिन एक गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है, उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए, जब दोनों ऑप्शन उसके पास रहेगा तो किसको पकड़ेगा, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलेगा हीमोग्लोबिन, और किसको पकड़ लेगा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड। यही तो होता है आपका, जब बंद कमरे में या फिर किसी गुफे वगैरह में जब वहां पर क्या जला जाता है, आग जला दिया जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन तो ये चाह ही रहा है कि उसको डेट करने का एक मौका मिल जाए, पूरे सेल को क्या सप्लाई कर देता है, वहां पर क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और पूरे सेल को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपका, लो तुम भी लो तुम भी लो, पूरे सेल को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मतलब इन दोनों के प्यार के चक्कर में, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्यार के चक्कर में बेचारा सेल मर जाता है। भैया सेल को क्या मतलब है, उसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन इस हीमोग्लोबिन के गलती के वजह से, प्यार की वजह से पूरी सेल डेथ हो जाती है। अब क्लियर हुआ? एक बार क्वेश्चन आपका इससे यह आया हुआ था कि आपका हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी किसके साथ होती है, ये सब कॉन्सेप्ट बताने का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी किसके लिए होता है। पहला ही ऑप्शन था ऑक्सीजन और डी ऑप्शन था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और स्टूडेंट ने यह सोचा कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया भाई, इतना क्वेश्चन कितना सिंपल कि हीमोग्लोबिन किसके लिए बना हुआ था, इसकी तो वाइफ है ऑक्सीजन, और यहीं पर क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि हायर एफिनिटी किसके साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ना पसंद करेगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखना कि हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी वाइफ कौन है, ऑक्सीजन। मतलब संबंध किसके लिए है कि हीमोग्लोबिन को हमेशा आपका ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना चाहिए, तब तक सेल आपका सही फंक्शन करेगा। यदि गलती से भी उसको कहीं पर मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ डेट करना चालू कर देगा, पूरे सेल को बांट देगा, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, सबको कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, और बेचारे सेल को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, और इन दोनों के प्यार की वजह से सेल खत्म हो जाती है और उस बॉडी की भी जान चली जाती है। चलिए बिल्कुल चार लोग देखिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी वाइफ एक नहीं है, इसकी फोर वाइफ है, ये भी याद रखो भैया कि आपका ऑक्स एक हीमोग्लोबिन के साथ
कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इसको कैसे याद रखोगे कि आपका हीमोग्लोबिन 4 लोग को मेंटेन करता है, हो गया एक, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है, 4 इसकी वाइफ है, ये याद रखना, हीमोग्लोबिन की 4 वाइफ है और साथ ही साथ इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कितना बदमाश है आपका हीमोग्लोबिन, 4 लोग के तो घूमता भी है और साथ ही साथ एक जीव भी रखा हुआ है, हो गया क्लियर। चलिए अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, किसके साथ बाइंड होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नहीं भूलोगे ये वाला कॉन्सेप्ट को भी नहीं भूलना है आपको, कि हमेशा ये वाला जब दिल बनाओगे तो हमेशा राइट साइड में, राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन रहता है, तो अपना नाम इसमें रखना है ना कि इसमें, और बीच में ये वेड है। अब देखिए अब इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं नॉर्मल बात करते हैं भैया। ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये आपका लंग्स है, लंग से क्या हो गया, लंग से आपका क्या आ गया, यहां पर एल्वियोली था, एल्वियोली, और इसी एल्वियोली पे कब्जा कर लिया था, इसी को हाईजेक कौन कर लिया था, कोरोना ने हाईजेक कर लिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना वायरस किस पे अटैक किया था, तो एल्वियोली को अटैक किया था, जिसके अब इसका काम क्या होता है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज, यहां पर ही गैस का एक्सचेंज होता है, कोरोना इसी को कब्जा कर लिया था, ले तेरे को तो कुछ करने देगा ही नहीं। ठीक है, अब कोरोना किसको अटैक किया था, इस एल्वियोली को, अल्लो अब देखो एल्वियोली का काम क्या था, मतलब बेचारे हीमोग्लोबिन को, बेचारे इस हीमोग्लोबिन को कोरोना ने क्या किया, उसके वाइफ के साथ मिलने नहीं दिया था, यही तो गलती हो गया था कि इस हीमोग्लोबिन वेट करता रहा अपनी वाइफ किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन कोरोना ने इस ऑक्सीजन को जाने ही नहीं दिया, इसको अपना ही यूटिलाइज कर रहा था। देखिए कोरोना ने कितना खतरनाक तरीके से काम कर रहा था, ये बेचारा पिक करने के लिए आया हुआ था हीमोग्लोबिन अपने वाइफ को, लेकिन हो क्या गया यहां पर कि कोरोना ने इस एल्वियोली को कब्जा कर लिया था, हाईजेक कर लिया था, जिसके वजह से ये दोनों आपस में मिल नहीं पाए, जुदा हो गए, और जिसके वजह से क्या नहीं मिल पाया, अब ये दोनों जुदा नहीं हो पाए, तो इसके गम में, ऑक्सीजन के गम में आपका हीमोग्लोबिन क्या है, ये भूल ही गया हीमोग्लोबिन की हमारे सेल को क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, तो किसको देता ऑक्सीजन, ये तो कब्जा करके बैठ गया था कोरोना। अब यहां पर बेचारी सेल इंतजार कर रही है, सेल क्या कर रहा है, इंतजार, कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आएगा और हमको खाना देगा, क्योंकि यहां पर देखो ऐसा नहीं है, कोविड टाइम पे लोगों ने खाना कम नहीं किया था, कोविड टाइम पे लोग खाना खा रहे थे, और लोग यदि खाना खा रहे थे मतलब वो क्या ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे, मतलब C6H12O5 ये तो था, मतलब कोविड पेशेंट के बॉडी में खाना तो खा रहे थे, मतलब उनके सेल को क्या मिल रहा था, ग्लूकोज तो मिल रहा था, लेकिन कोरोना ने इसको हाईजेक कर लिया था, हीमोग्लोबिन किसको लेके नहीं आ पाया, अपनी वाइफ को लेके नहीं आया, क्योंकि यदि अपने वाइफ को लेके आता तो यहां पर सेल अपने पास क्या रखा हुआ था, ग्लूकोज, अब अपनी वाइफ जैसे हीमोग्लोबिन इसको क्या देता, ऑक्सीजन देता, इसका ब्रेक डाउन होता, इसका ऑक्सीडेशन होता, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर बनता, माइटोकॉन्ड्रिया में, अब क्या होता, एटीपी बनता, और ये कहां पर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना भैया माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, अब यहां पर क्या बनता, एटीपी बनता, और एटीपी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता प्लस वाटर बनता। अब देखिए अब इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपका ऑक्सीजन, अब देखिए यहां से हीमोग्लोबिन, नॉर्मल की पहले मैं बात करूं, नॉर्मल की मैं बात करूं, नॉर्मल कंडीशन का, कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ये अपने साथ किसको लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, ठीक है, और ये किसको पास आता है, आपके सेल के पास आएगा, किसके पास आएगा, सेल के पास, और सेल खा पी के बैठा रहता है ग्लूकोज को, सेल के पास क्या रहता है, ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ही उसका ऑक्सीजन मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया खुश हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर बनाना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होगा, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपने सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन बायोकेमिस्ट्री में सब सुना होगा,
ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये सब साइकिल चलना स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में, और क्या होता है आपका एटीपी बनना स्टार्ट हो जाता है, और इस एटीपी के बनते बनते क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। अब देखिए, अब हीमोग्लोबिन फिर बोलता है, यहां पर तो अपने वाइफ को लेके गया था, अब अपने साली साहिबा को फिर से देखो, अब इसकी साली साहिबा कौन है आपकी, कार्बन, मतलब हीमोग्लोबिन की साली भी है समझ लीजिए, उसका नाम क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए वाइफ आई, यहां पर देखिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मतलब अपने वाइफ को लेके आया किसके पास, सेल के पास, और यहां से सेल ने उससे क्या बना लिया, एनर्जी बना दिया, और साथ ही साथ क्या बना दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब इसको छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी, साली साहिबा को स्टेशन तक, स्टेशन मतलब क्या है, बाहर जाना मतलब यहां तक लाने की जिम्मेदारी किसका है, हीमोग्लोबिन का। वाइफ ने तो बोल दिया भैया हम तो यूज हो गए, लेकिन साथ में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पकड़ लेता है, देखिए हीमोग्लोबिन फिर से पकड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इस बार वो किसको लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, और कहां पर लेके जाएगा, लंग्स तक लेके जाएगा, कहां पर लेके जाएगा, लंग्स तक। अब लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोली, और इस एल्वियोली को बोलेगा ले तू किसको ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से होते 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 हुए बॉडी से आउट हो जाता है। अब आया सबको प्रोसेस समझ में, देखिए हीमोग्लोबिन के कितना काम है बेचारे को, हीमोग्लोबिन का काम एक हस्बैंड के जैसे करता है, पहले अपने वाइफ को लेके आएगा, सेल को देगा ताकि सेल अपने लिए क्या बनाए, एनर्जी बना पाए, इसके बाद सेल क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब साली साहिबा बना लिया समझ ले। अब उस साले को तो पहुंचाना भी जरूरी है, तब उसको पहुंचाने का काम भी कौन करता है आपका, हीमोग्लोबिन, इसको कहां पर लेके जाएगा, लंग्स का, और उसके बाद वो आपका वहां से आउट हो जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन आया, सेल ने यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और उसको बाहर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा सा और मैं आपके हार्ट वाले टॉपिक पे आता हूं, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हमेशा याद रखो, जो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, जो ऑक्सीजन लेके आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो एक पाइप से आता है, उस पाइप का नाम है आर्टरी, उस पाइप का नाम क्या है डियर आपका, आर्टरी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जिस पाइप से ब्लड को लेके आ रहे हैं उसका नाम क्या है, आर्टरी। तो हमेशा याद रखना आर्टरी में, हाँ कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन कम, क्योंकि कोविड टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला तो बेचारा गम में ही मर गया हीमोग्लोबिन, और जिसके वजह से आपके सेल को क्या नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन, और जब तक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक वो कितना भी खाना अपने पास रखा रहा है, ग्लूकोज रखा रहा है, जब तक कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल ये सब चीज चलेगा नहीं, तब तक बॉडी एनर्जी नहीं बना सकता है। तो कोविड टाइम पे तो यही हुआ, मामला फंस गया आपके एल्वियोली वाले पार्ट पे, कोरोना ने तो उसी को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जिसके वजह से क्या हुआ आपका, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कि जो आपके आर्टरी में हमेशा आपका ऑक्सीजिनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये पॉइंट याद रखो कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजिनेटेड, मतलब हीमोग्लोबिन अपने वाइफ को किस पाथवे के थ्रू लेके आता है, आर्टरी के थ्रू लेके आएगा, और आपका यहां पर किसको दे देगा भैया, आपके सेल को, सेल बोलो, और इसी से मिलकर आर्गन बना होता है, तो आर्गन को दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां से फिर से इसको ले जाने का काम, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को, अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको बोला जाता है, यह काम होता है आपके वेन में। तो हमारे बॉडी में दो तरीका का ब्लड वेसल होता है, एक होता है आपका आर्टरी और दूसरा होता है आपका वेन। तो आर्टरी में हमेशा याद रखना डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड जब भी बोलूंगा तो ऐसा ब्लड जिसके साथ क्या रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इंप्योर ब्लड भी बोला जाता है, इंप्योर ब्लड, इसी को दूसरा नाम और क्या है, इसी को इंप्योर ब्लड बोलो, इसी को वीनस ब्लड भी बोलते हैं, वीनस ब्लड। अब धीरे से मैं हार्ट में आ रहा हूं कहानी में, ठीक है, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसके साथ क्या रहे, आपका ऑक्सीजन रहे। अब इनके बीच में क्या रहता है, इनके बीच में कैपिलरी रहता है, इस आर्टरी और वेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है डियर आपका, कैपिलरी। तो कैपिलरी एक्चुअली में क्या है, इट इज द लिंक बिटवीन, इट इज द लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी एंड वेन। तो याद रखना है
कैपिलरी एक लिंक है आर्टरी और वेन के बीच में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल। बताऊंगा डियर आपको, पल्मोनरी से पल्मोनरी के केस में थोड़ा सा हमारा लॉजिक उल्टा हो जाता है, ये भी बताऊंगा आपको, बट इसको थोड़ा सा समझिए। पहले बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं कि हीमोग्लोबिन अपनी वाइफ ऑक्सीजन को एक पाइप के थ्रू लाता है, उस पाइप का नाम है आर्टरी, मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब देखिए अपने वाइफ को लेके आएगा तो भैया लाल हो जाएगा मुंह उसका, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, रेड कलर, क्योंकि वाइफ को लेके आएगा तो एक अलग ही ग्लो होता है फेस पे, मतलब रेड कलर। तो याद रखना जब भी हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन रहेगा तो वहां पर कलर कैसे होगा, ब्लड का, ब्लड का कलर रेड होने का वजह क्या है, जब हीमोग्लोबिन अपने वाइफ को लेके आएगा। इतनी खुशी होती होगी आपके हीमोग्लोबिन के, खुद ही सोचिए, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर था, बाहर से आई आपकी ऑक्सीजन, उसके बाद एल्वियोली से छीन के कौन लेके आ गया उसको, आपका हीमोग्लोबिन। तो खुशी होता है तो उसका चेहरा खिलखिलाना स्टार्ट कर देता है, तो रेड कलर। अब यहां पर क्या है, अब इसको यहां से क्या है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब आपका ब्लू कलर। तो यहां पर कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। तो याद रखना जिस आपके जिस वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। हो गया? इतना क्लियर हुआ आपको? बस 10 मिनट और, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पूरा मैं ईसीजी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ईसीजी देखना मैं सबको सिखा दूंगा, सब लोग कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे, इतना गारंटी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ईसीजी, हार्ट में करंट लगवाएंगे, उसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। बस 10 मिनट और कर लेते हैं, उसके बाद हाँ रेड एंगर को भी शो करता है, ठीक है। अरे भाई एक अलग ही ताव रहता है, क्योंकि अपने साथ अपने वाइफ को लेके आ रहा है ना, तो अलग ही ताव में रहता है, कबीर सिंह रहता है, तो इस समय इसका कलर क्या रहता है, रेड, और बट यहां पर इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। 10 मिनट और कर लेते हैं, इसके बाद इसके पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू में मैं क्या बताऊंगा आपके हार्ट में, हार्ट में करंट लगाएंगे। पार्ट टू में हार्ट में क्या लगाएंगे, करंट। हार्ट अटैक बताऊंगा कि हार्ट कैसे अटैक होता है, उसके बाद ईसीजी बता दूंगा, ब्लड प्रेशर आपको बता दूंगा, क्लियर। ये आपके नेक्स्ट में है, थोड़ा सा 5 मिनट इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत थक गए होंगे, कोई बात नहीं, बस लास्ट में हम और देख लेते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि कैपिलरी में एक्सचेंज होता है और यहां पर आपका चला जाता है। चलो एक लास्ट में अब यहां से आपका आर्टरी वेन में एक डिफरेंस और मैं बता देता हूं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। आर्टरी और वेन में डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। देखिए आर्टरी वेन में काफी, इसके बाद हार्ट को फिर कॉल और डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। एक बना लेता हूं मैं आर्टरी और एक बना लेता हूं मैं आपका वेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टरी का काम क्या होता है, ये आपके हार्ट से, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, ये आपके हार्ट से ब्लड को कहां पर ले जाके आता है, आपके आर्टरी में लेके आएगा, या फिर बोल सकते हैं आर्टरी के थ्रू, ये आपका आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू डियर आपका, आर्टरी के थ्रू आपके ब्लड को ऑर्गन तक लेके आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ऑर्गन या फिर बोल सकते हो सेल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर आपके ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, आपका आर्टरी। और इसका काम क्या होता है, आपके सेल या फिर ऑर्गन, क्योंकि सेल से मिलकर ऑर्गन बना होता है। तो ये आपके ब्लड को कहां पर लेके जाएगा, आपके हार्ट तक। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपके टूवर्ड द हार्ट, टूवर्ड द हार्ट मतलब हार्ट तक आपका ब्लड तक ले जाने का काम कौन करता है, मतलब हार्ट में ब्लड को ले जाने का काम आपका वेन करता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, सब बताएंगे बेटा, कल के लिए भी रखते हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, आज के लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में पूरा हार्ट खत्म करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फील करके पढ़ो। अभी और बहुत सारी स्टोरी बचा हुआ है, वो आपका पार्ट टू में होगा, नेक्स्ट एपिसोड में। हार्ट को करंट लगाएंगे, हार्ट को ईसीजी बताऊंगा, हार्ट को अटैक करेंगे, सब करेंगे आपके पार्ट टू में। चलिए इसमें थोड़ा सा ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आर्टरी का काम क्या होता है कि अब भूल जाओगे कभी, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं ना, कि आपका जो आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करते, भूल जाओगे तो याद रखना ए, और इसको याद रखो ए, ए से अवे, ए से आर्टरी। आर्टरी का काम होता है हार्ट से आपके ब्लड को, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसका काम क्या होगा, पूरे सेल ऑर्गन से, पूरे सेल ऑर्गन से आपका, ठीक है,
पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहां पर लेके जाएगा? हार्ट तक लेके जाएगा। अब देखिए मेरे तरफ एक बार देखिए, अब बताएंगे आप लोग ही, ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या हो रहा है चीजें, ये देखिए, मतलब ब्लड कहां जा रहा है? आपके आर्गन की तरफ, मतलब एक कैसा डायरेक्शन है, आर्टरी है कि वेन, आप ही बताएंगे। मैं जो कर रहा हूं ये वाला क्या हो गया, सब तरफ से जा रहा है, मतलब ये आपका आर्टरी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। फील करो, एक्टिंग करो, तब मजा आएगा चीपी पढ़ने में। हाँ, कैपिलरी का भी बताएंगे। अब उसके बाद देखिए, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है अवे, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से दूर जा रहा है। अब आए पास लाइए, ये खींच के लाइए, पूरे नीचे से खींच के लाइए, ऐसा ऊपर से खींच के लाइए और हार्ट में डाल दीजिए, इसको बोला जाता है आपका वेन। क्लियर हुआ? ऐसा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब आर्टरी, अब पास आ रहा है, पास आ रहा है मतलब ऐसा फील करो, पास लाने की कोशिश करो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आर्टरी वेन, भूल जाओगे तो वैसे ही कर लेना भाई, दूर जा रहे हो, दूर जाओ, जाओ सब तरफ बांट दो ऑक्सीजन, जीने दो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अपनी जिंदगी, तो इसको बोला जाता है आर्टरी। फिर से लेके आओ, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड को खींच के लाओ, मतलब समझ लो कि वो वेन कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, वेन कर रहा है ये साजिश जो है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है भाई, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। वेन का प्रेशर कम होता है, आर्टरी का प्रेशर आपका हाई होता है एज कंपेयर टू वेन, और इसका प्रेशर आपका लो होगा, इसका प्रेशर लो होगा, और ये आपका बॉडी के सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल बॉडी के सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है, और ये आपका डीप में प्रेजेंट होता है। इसका प्रेशर कितना होता है आपका 120, इसका प्रेशर कितना होता है 80, आपने बीपी तो पढ़ा होगा ना, 120/80 आपने कुछ पढ़ा ना, 120/80, तो 120 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर, ब्लड का कितना प्रेशर होना चाहिए, मैक्सिमम 120, तो 120 प्रेशर किसका होता है, आर्टरी का। जो 80 आपने प्रेशर पढ़ा होगा, तो 80 प्रेशर किसका होता है, आपका वेन का होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर जो नसें आपको दिख रही हैं, इसको बोला जाता है वेन, जिसका प्रेशर होता है कम, और आपका अंदर में प्रेजेंट है जो आपको दिखाई ना दे रहा हो वो है आपका आर्टरी। मूवी अगर हमें देखना, मूवी अगर हमें थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, लड़की ऐसा निकालती है और कट से काट देती है, किसको काट देती है, वेन को काट देती है। अरे वेन में तो प्रेशर ही कम रहता है, ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, उसको पता है बगल में हॉस्पिटल है, मेरा इलाज हो जाएगा। तो लड़कियां ज्यादातर का गुस्सा उस्सा करती है, मूवी में देखना थोड़ा सा गुस्सा हुई नहीं कि यहां पर का काट दिन उसको, तो ये क्या है, वेन है। प्रेशर क्या है, कम है, उसको पता है, वो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उसको पता है कि बगल में हॉस्पिटल है, मेरा इलाज हो जाएगा, वो डराने के लिए रहता है। अरे काटना है तो यहां करके आउटा को काट दो, आउटा में प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरी को काटो, आर्टरी काटेगा तो एक ही बार फेंकेगा प्रेशर, तब देखिए 5 मिनट के अंदर में तड़प के मर जाएगी। ठीक है, पल पल दिल के पास, बस इसको काटे रहते हैं, बस थोड़ा सा बने की ब्लेड लगा के काट दिए, वो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, पता ही नहीं मरेगी उसमें, कभी नहीं मरती ऐसे में, मरेगी किसको, यहां काटे अपना, यहां होता है आउटा, जो कि आपका लार्जेस्ट आर्टरी होता है बॉडी का, इसको काट के देखा है, तुरंत ही फड़फड़ा के मर जाएगी फिर तो। ठीक है, क्योंकि आर्टरी क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है आपको, बिल्कुल बेटा सब बताऊंगा, लब डब धक 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 जो हो रहा है ना आपको, दिल बताऊंगा, डॉक्टर कैसे स्टेथोस्कोप में लब डब की साउंड सुन लेता है, हर चीज बताऊंगा, बस जुड़े रहो आप। ठीक है, लब डब साउंड डॉक्टर ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के सुन लेता है दिल की आवाज, अब बोलता है कि यू आर फाइन या यू आर राइट, वो सब बताऊंगा कि कैसे राइट बोलता है, कब आपको चूना लगा देता है पैसा कि भाई ठीक नहीं है आपका दिल, ईसीजी करो, तो सब बताऊंगा कि डॉक्टर एक्चुअली में क्या देखता है उसमें। हाँ ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, प्रेशर समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा सा एक एक्सेप्शन मान के चलो भैया, पल्मोनरी लंग्स के केस में पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखना, और ये भी याद रखना इसका कलर क्या रहता है, आर्टरी का कलर रेड रहेगा, आर्टरी का कलर रेड, आर्टरी में जब ब्लड देखोगे तो उसका कलर रेड रहेगा, वेन का कलर कैसे रहता है, या तो ग्रीन दिख रहा होगा आपको, या तो ब्लू दिख रहा होगा, देख लीजिए अपना अपना भाई, किसी के में ब्लू दिख रहा होगा, किसी के में ग्रीन दिख रहा होगा, देख लो ये, इसको तो आप देख सकते हो, तो ये वेन है जो कि ब्लू, अब क्यों दिखता है, क्योंकि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके चल रहा है, ये कौन सा ब्लड लेके चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेड कौन दिख रहा है, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके चल रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ।
और उसके बाद आप लोग एक चीज और याद रख लो, इसमें एक एक्सेप्शन याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में याद रखना कि आपके आर्टरिंग में मैं बात करूं तो लंग्स के केस में मामला थोड़ा सा बदल जाता है, लंग्स के केस में मामला थोड़ा सा बदल जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। एक होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टरी बोल रहा हूं। पल्मोनरी किसको बोला जाता है पहले ये समझिए, पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात कर रहा है, तो पल्मोनरी लंग्स की जब भी बात करोगे पल्मोनरी, इसी को दूसरा नाम क्या है लंग्स बोलते हैं, इसी का नाम है लंग्स, यही हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, बस यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा है, दिमाग में एक ही बात याद रखो, पल्मोनरी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आर्टरी वेन का अलग हो जाता है, कि जब भी पल्मोनरी वेन बोलेगा आपको तो बोल क्या रहा है आपको आर्टरी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है मतलब इसमें होना क्या चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका क्या होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में आपका क्या होगा और एक पल्मोनरी वेन लिखो, दोनों को कंपेयर कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पल्मोनरी वेन, अब देखिए इन दोनों के साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, वेन बोल रहा हूं मतलब उसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए पल्मोनरी वेन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब इसको बोल रहे हैं आर्टरी मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन वाला नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, ठीक है ठीक है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया समझ लीजिए। पल्मोनरी में पल्मोनरी वेन बोला तो वेन है मतलब इसमें क्या आना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आ क्या गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब इसमें समझिए पल्मोनरी आर्टरी है, आना कैसे चाहिए था ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आना चाहिए लेकिन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, क्लियर हो गया। चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका कॉन्सेप्ट को हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चलिए आज के लिए डियर बस इतना ही रखते हैं, मजा आया विकास सब बताऊंगा। हाँ जो कॉन्सेप्ट में बताया था ना डियर आपका कि पल्मोनरी आर्टरी अवे करता है कि टूवर्ड करता है, उसी के कॉन्सेप्ट पर, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे डायरेक्ट याद रखो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लंग्स में मामला गड़बड़ हो जाता है, बाकी सब जगह कॉमन है। आर्टरी बोलेगा पल्मोनरी आर्टरी बोलेगा दिमाग में लगना है, सर बोले थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में मामला गलत हो जाता है, आर्टरी बोला है मतलब उसमें क्या लगाना है ऑक्सीजन नहीं लगाना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं हमारे बॉडी का, मामला अलग है। वेन बोल रहा है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, उसमें ऑक्सीजन वाला रहेगा, यदि कंफ्यूज हो गए तो, नहीं तो उसका पीछे मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। चलिए क्लियर हो गया, अब हम लोग इसको नेक्स्ट में, अभी बहुत टाइम हो चुका है आपका, चलिए अब आपके कमेंट को मैं ले लेता हूं, यहां तक का मैं फिनिश करता हूं, बाकी चीजें आपके पार्ट टू में देखूंगा। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपके अब डाउट को आपके कमेंट्स को पढ़ने वाला हूं, ठीक है। चलिए बताते जाइए आपके क्या कमेंट्स हैं, बिल्कुल लोकेशन कल बताऊंगा मैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का लोकेशन मैं। नेक्स्ट क्लास कब होगा सर, कल ही होगा बेटा 9 बजे फिर मिलेंगे आपसे, कल तो बहुत मजेदार है, कल हार्ट को करंट लगाएंगे, ईसीजी लगाएंगे, हर चीज लगाएंगे कल हार्ट को। लोकेशन बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये आपके हार्ट के से रिलेटेड होते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से बताऊंगा इसका लोकेशन। बिल्कुल कल बेटा जो इसका आंसर समझ में आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन, क्योंकि कई सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में तो इसको भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है इनसे रिलेटेड। देखिए बेटा हार्ट का जब सर्जरी किया जाता है ना तो वहां पर एक स्पेशल आपका ईसीजी वगैरह भी लगाया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से आपके हार्ट को पंप कराया जाता है, ऐसा नहीं कि हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट को पंप कराया जाता है आपका, ठीक है आर्टिफिशियल। इसको आपका क्रिश्चियन बर्नाल्ड साइंटिस्ट ने सबसे पहले बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहली बार आपका साउथ अफ्रीका के केपटाउन में, केपटाउन शहर है ना जहां पर क्रिकेट वगैरह होता है, वहां पर आपका सबसे पहले आपका क्रिश्चियन बर्नाल्ड साइंटिस्ट ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था जो कि सक्सेस हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ था, और ये भी बात याद रखना हार्ट का जो ऑपरेशन वगैरह है, जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये आपका सबसे सस्ता हमारे इंडिया में होता है, तभी बाहर से भी लोग आपके हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे इंडिया आते हैं, गलत सबसे सस्ता होता है चाइना में,
चाइना में हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे सस्ता, हमारे यहाँ 10-20 लाख रुपए लगेगा तो चाइना में कितना लगता है, 2 से 3 लाख। लेकिन उन लोग किसी का भी बकरी का बोलो, किसी का भी आपका हो सकता है डॉग का ही हार्ट लगा दे, वो है चाइना आपका। ठीक है, तो चाइना वाला गारंटी नहीं देता, किसी का भी हार्ट लगा देते हैं। देखिए रॉस एंड विल्सन की बहुत अच्छी बुक है आपका, ठीक है, यदि आप एचपी पढ़ना चाहेंगे, रॉस एंड विल्सन टोटोरा आपका स्टैंडर्ड बुक है। समझ में ना आए तो कम से कम डायग्राम तो देख सकते हो ना बेटा, सब बताऊंगा आपको, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो चाइना ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है, किसी का भी हार्ट लगा के दे देता है वो। इंडिया पे प्राउड करो, ठीक है, गर्व करो अपने इंडिया पे। ठीक है, अच्छी बुक बताया तो मुझे बेटा आपको टोटोरा की, गांधी एंड गोयल की भी अच्छी बुक है टेक्स्ट बुक की यदि मैं बोलूँ तो। आपका रॉस एंड विल्सन की बुक बहुत अच्छा है, और स्टैंडर्ड बुक की बात करूँ तो टोटोरा की बुक आती है चेपी के लिए, जिसमें डायग्राम वगैरह देखने में बड़ा मजा आता है। सब बताऊंगा बेटा, कोरोनरी आर्टरी तो मेन है जो आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। कोरोनरी आर्टरी में तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो हार्ट क्या होता है आपका, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो आपके हार्ट को क्या देगा, ऑक्सीजन वगैरह देगा, क्योंकि भैया आपका हार्ट भी तो एक आर्गन है, उसको भी तो जीने खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको जीने खाने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है, ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। और यदि उसी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, सर बोथ लंग्स इज द एक्टिंग टू, हाँ देखिए किडनी आप चेंज कर सकते हैं, एक किडनी किसी को डोनेट कर सकते हो, लेकिन लंग्स कभी भी एक लंग्स नहीं देते हैं। ऐसा आपने कभी सुना है क्या कि भाई आपने एक लंग्स दे दे, नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं और किडनी दोनों अलग है, दोनों ऑटोनोमस बॉडी है, एक दूसरा काम करता है, एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं रहता। तो एक किडनी किसी को दिया जा सकता है लेकिन एक लंग्स किसी को नहीं दिया जा सकता, ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारा डिस्कशन है आपका एचएपी में, मतलब आप जल्दी से एक बार कमेंट करके सब अपना एक हार्ट का बताएंगे, सब हार्ट का फिगर भेजो सब इमोजी बना के, अब फील के साथ। मिलेगा बेटा आपको क्रेश कोर्स फार्मासिस्ट में, एचएपी में ही लूंगा तो उसमें टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रेश कोर्स जो आपको चला होगा फार्मासिस्ट का, उसमें एचएपी पोर्शन में ही लेने वाला हूं, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाले कोई जरूरत नहीं है। चलिए, कोई आपके डाउट्स नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास नहीं मिस करना है, क्योंकि अभी मज़ा, अभी आगे की स्टोरी बचा हुआ है, अभी तो बस सिर्फ आपका एक स्टार्टिंग था, बाकी अभी हार्ट को करंट लगाना है, जिसको बोला जाता है ए से नोट। हार्ट को करंट किससे लगाया जाता है, ए से नोट को। उसके बाद ECG बताऊंगा कैसे डॉक्टर देख के समझ जाता है, दिल की धड़कन कैसे समझ में आ जाता है डॉक्टर को, ECG पढ़ना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, आज बहुत टाइम हो चुका है, नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा। देखिए हाँ बिल्कुल, इंजेक्शन किस में दिया जाता है, वेन में दिया जाता है, ताकि वो वेन किस में, आपके हार्ट में है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी चीज को पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा, तो वेन में दिया जाता है इंजेक्शन, वो वेन से होते हुए आपके हार्ट में आएगा और हार्ट उसको पंप करता है ताकि पूरे बॉडी में पहुंच जाए, क्योंकि हमारा पंप क्या है, प्रेशर देने का काम आपका हार्ट ही तो करता है, तो इंजेक्शन हमेशा वेन में लगाया जाता है ना कि। ठीक है, चलिए आपके साइड से तो ऐसे कुछ क्वेरी नहीं आ रहा है, डेमो तो चल रहा है बेटा, ये आपके यूट्यूब भी रहेगा क्लास, टेंशन क्यों ले रहे हो, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो एंड करूं, आपके साइड से कुछ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, और बाकी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से कल मिल सकते हैं। जल्दी से एक बार हार्ट का इमोजी भेज के गुड नाइट बोलिए, हो गया आज का, फिर फील आना चाहिए, बस दिल की बात करें और आप सेंड ना कर पा रहे हो। सब बताएंगे बेटा, लव डब का साउंड क्यों आ रहा है, ECG में क्या देखा जाता है, स्टेथोस्कोप में कैसे डॉक्टर समझ जाता है दिल की धड़कन को, सब बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल स्मूथली चलेंगे, एक दिन में हर चीजों को नहीं सीखा जा सकता। चलिए, कोई डाउट नहीं है हार्ड भेजते हुए, ओके थैंक्स। आप लोग मेरे को 1 से 1.5 घंटे तक आप लोग पेशेंस के साथ आपने नाइट में आज स्टडी किया हुआ है HCP को, आज फील करना है चीज़ों को। ठीक है, आज हमेशा याद रखना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की स्टोरी को और उसकी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो समझिए लाइफ में बहुत सारे आपके HCP से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, बस इसका कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। ठीक है, ओके, अब एंड करते हैं डियर क्लास को, थैंक यू सो मच।